संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लिखी नेम प्लेट और हुटर लगी ब्लैक कार के घूमने की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं और पब्लिक में हड़कंप मच गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तेजी दिखाते हुए कार की तलाश की तो कार में सवार व्यक्ति फर्जी प्रदेश अध्यक्ष निकला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार में सवार फर्जी प्रदेश अध्यक्ष को धर दबोचा और पूछताछ शुरू कर दी। फर्जी प्रदेश अध्यक्ष भीड़ को चकमा देकर कार को लेकर फरार हो गया। भाजपा के फर्जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हंगामे की सूचना चंदौसी कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए देर शाम फर्जी प्रदेश अध्यक्ष को पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक बडायू जनपद के बिलसी का प्रतीक माहेश्वरी है। भाजपा कार्यकर्ता कौशल किशोर ने भी भाजपा के फर्जी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए चंदौसी कोतवाली में तहरीर दी। आपने गाड़ी पर लिख रखा है, किससे लिख रखा है आपने? ये क्या नहीं, क्या आप प्रदेश अध्यक्ष हैं? आप क्या भाजपा के, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर तो कोई शाखा है ही नहीं बीजेपी की। ये रजिस्टर 211/005 ये मेरे संज्ञान में नहीं, पर नाम जिस जो संस्थापक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जागरण सिंह, उन्होंने मुझे फोटो लगा रखा है अपनी गाड़ी पर। ये प्रचार के लिए लगाए रखा है। टाटा सफारी जो पकड़े थे प्रदेश अध्यक्ष लिखा हुआ है, ये प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष मैं खुद हूँ। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर। इस समय आपकी गाड़ी कहाँ पकड़ी गई थी? मेरी पकड़ी नहीं गई थी, मेरी खड़ी हुई थी वहाँ पर। कहाँ पर? जी वासन धर्मशाला के पास। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या जला, वो नगर अध्यक्ष हैं आके, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, तो मैंने उनसे बात की थी, इसलिए उसके बाद कोतवाली आया हमारी। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष लिख के इसकी आड़ में नंबर दो का काम करते हैं? नहीं कुछ भाई, नंबर दो का काम नहीं कर रहा, मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो फिर मेंथॉल की खुशबू कैसे आ रही है? मेंथॉल के वगैरह एक सैंपल पड़ा होगा या कुछ भी होगा, इसमें मेंथॉल वगैरह कुछ नहीं। सर टाटा सवारी पुलिस ने गिरफ्तार की, क्या है पूरा मामला? ये बारह श्रेणी धर्मशाला चंदौसी पर गाड़ी खड़ी थी, ये गाड़ी लॉक थी, लॉक करके ये लोग चले गए थे गाड़ी कहीं पर, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही ये जो गाड़ी मालिक लड़का आया, गाड़ी मालिक जो है गाड़ी पर आए, उनको साथ लेकर के पुलिस गाड़ी को थाने पर ले आई। उस पर गाड़ी पर लिखा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और कोष्ठक में JSS लिखा हुआ है, जो JSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मेरे द्वारा गाड़ी नहीं, इनको लोगों उपलब्ध नहीं कराया गया है, और ये गाड़ी संदिग्ध लग रही है। सर इसमें दो हुटर भी लगे हुए हैं। दो हुटर लगने के कारण गाड़ी को सीज कर दिया गया है, थाना चंदौसी गाड़ी सीज कर दिया है, थाना चंदौसी गाड़ी खड़ी हुई है। सर जैसे कि गाड़ी आपने खुलवाई थी, मेंथा की खुशबू आ रही थी, क्या ये मेंथा का नंबर दो कारोबार करते हैं? नहीं, ये तो मुझे संज्ञान नहीं है, जब वहाँ पे कोई सामान नहीं मिला, केवल गाड़ी में ईंटें लदी हुई है, और ये तो सत्य है कि मेंथा की खुशबू आ रही है। ये मामला फर्जीवाड़ा है, और ऐसा हमारे यहाँ कोई प्रकोष्ठ नहीं है, जिस तरह से इन्होंने लिख रखा है, ये कुछ सब पूरा फर्जी है। और ये दोपहर लगभग 1 बजे के समथिंग बारिश ही धमताला पर आकर खड़ी हुई, हम लोगों को शक हुआ, तो हमने इसके ड्राइवर से पूछा, तो बोले ये लोग खाना खाने गए हुए हैं। उसके बाद हमने काफ़ी इंतजार करने के बाद थाने को सूचना दी, और अपने पार्टी के उच्च अधिकारियों को सबको बताया, तो उन्होंने बताया कि भाई इस गाड़ी ये फर्जी है, और इसको जो है दिखवाई प्रशासन के द्वारा, तो ये प्रशासन जो है दो कांस्टेबल वहाँ खड़े कर दिए गए थे, जब मालिक आया उसको लेकर ये थाने आए। चलो अब क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई यही है कि फर्जीवाड़ा ये लोग गिरफ्तार हों, गाड़ी सीजो, क्या आप लोगों की मांगे जी, क्योंकि इस तरह से हमारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए असामाजिक तत्व हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और बीजेपी का ऐसा सिंबल लगा के चल रहे हैं, ये गलत है।